नमस्कार दोस्तों, अव्यक्ति क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सीएस चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हूं वर्ण प्रकरण के तीसरे भाग अर्थात प्रयत्न या यत्न के विषय में चर्चा करने के लिए। वर्ण प्रकरण के पिछले दो भाग में हमने वर्ण क्या है, वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं, स्वर क्या है, स्वर के पौन कौन कौन से भेद होते हैं, स्वर कितने होते हैं, ये पढ़ा। इसके बाद अगले भाग में हमने व्यंजन यानी वर्ण के दूसरे भाग में हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा, व्यंजन क्या है, कितने होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं। उसी वर्ण प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वर्ण के यत्न या प्रयत्न की। यत्न और प्रयत्न से तात्पर्य है मित्रों कि जब किसी वर्ण के उच्चारण के समय, जब किसी वर्ण के उच्चारण के समय जो प्रयास किया जाता है वो प्रयास ही यत्न या प्रयत्न कहलाता है। तो प्रयत्न क्या है, प्रयत्न के कितने भेद हैं, उन सबके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो मित्रों, धैर्य पूर्वक जुड़े रहिए मेरे साथ में, सीखते रहिए, समझते रहिए। तो मित्रों, शुरू करते हैं प्रयत्न या यत्न। मित्रों, प्रयत्न या यत्न दोनों एक ही चीज है, प्रयत्न भी हो सकता है और यत्न भी हो सकता है। प्रयत्न या यत्न का तात्पर्य होता है प्रयास, कोशिश। हम कह सकते हैं कि वर्ण की उत्पत्ति के समय, उच्चारण के समय जो प्रयास किया जाता है वह प्रयास ही प्रयत्न या यत्न कहलाता है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे होते हैं तो जो आंतरिक प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है उस वर्ण को मुख से बाहर लाने के लिए, वह आंतरिक प्रयास ही प्रयत्न या यत्न कहलाता है। मित्रों, यह यत्न दो प्रकार का होता है, अर्थात यत्न कहें या प्रयत्न कहें, दोनों का एक ही तात्पर्य है। यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है, या कहें कि दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कैसे होता है, एक प्रयत्न होता है वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व और दूसरा प्रयास होता है उत्पत्ति के बाद। प्रयत्न या प्रयास दो प्रकार से किया जा सकता है, वर्ण के उच्चारण के समय, एक वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व और एक वर्ण की उत्पत्ति के बाद। और इसी आधार पर हमने प्रयत्न को दो भागों में बांटा है। वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व जो प्रयास किया जाता है वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, और वर्ण की उत्पत्ति के बाद जो प्रयास किया जाता है वह बाह्य प्रयत्न कहलाता है। तो आप कह सकते हैं मित्रों कि प्रयत्न के दो भेद हैं, प्रयत्न के दो भेद हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आइए मित्रों, इसी चीज को एक बार समझते हैं बोर्ड पर। प्रयत्न दो प्रकार से होता है। हमने सबसे पहले प्रयत्न के बारे में चर्चा की कि प्रयत्न क्या है। तो मित्रों ध्यान दें, वर्णों के उच्चारण के समय किया जाने वाला प्रयास ही प्रयत्न या यत्न कहलाता है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो उस उच्चारण के समय जो प्रयास किया जा रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है, उस प्रयास को ही हम क्या कहते हैं, प्रयत्न या यत्न कहते हैं। यह प्रयास दो प्रकार से होता है, प्रयत्न दो प्रकार से होता है, यानी प्रयत्न से मतलब है यहां पर मेरा प्रयास, कि वर्ण की उत्पत्ति के समय जो प्रयास किया जा रहा है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व और दूसरा होता है वर्ण की उत्पत्ति के बाद। वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व और वर्ण की उत्पत्ति के बाद दो प्रकार से यह वर्ण प्रयास या प्रयत्न किया जाता है। और इसी आधार पर प्रयत्न के दो भेद कर दिए गए हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, आभ्यंतर से तात्पर्य होता है भीतरी और बाह्य मतलब बाहरी। तो वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व जो भीतरी प्रयास हुआ, पूर्व वाला जो प्रयास है वो तो है आभ्यंतर प्रयास, और वर्ण की उत्पत्ति के बाद जो प्रयास हुआ वो है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयास या बाह्य यत्न। तो इस प्रकार हमने प्रयत्न के दो भेद कर देंगे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। इन प्रयत्नों को
एक एक करके समझते हैं। यहां से जो पहला प्रश्न आपके लिए बनता है वो बड़ा सामान्य और सरल प्रश्न होता है, प्रयत्न कति, प्रयत्न के कितने भेद हैं। और हम अक्सर गलती कर जाते हैं प्रश्न को समझने में और कंफ्यूज होते हैं, कभी हम आभ्यंतर प्रयत्न के भेद बता रहे होते हैं, कभी बाह्य प्रयत्न के भेद बता रहे होते हैं, जबकि प्रश्न सामान्य सा होता है कि प्रयत्न के कितने भेद हैं। तो मित्रों प्रयत्न के दो ही भेद रहेंगे, कौन कौन से, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ध्यान रखना है प्रयत्न के कितने भेद हैं, दो, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न पर। जैसा कि आपको कहा कि आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य है वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व किया जाने वाला प्रयास, आभ्यंतर प्रयत्न है। यानी वर्ण की जब हमारे मुख से उत्पत्ति होती है तो उस उत्पत्ति से पहले जो प्रयास करेंगे वो प्रयास क्या कहलाता है, आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। वर्ण के उच्चारण से पूर्व, यानी जब हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं, तो उसमें पहले जो प्रयास किया जाता है वो आंतरिक प्रयास ही आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। वर्ण के उच्चारण के लिए जरूरी होती है वर्ण की उत्पत्ति, और उस उत्पत्ति के लिए जो आंतरिक प्रयास किया जा रहा है वो आंतरिक प्रयास ही क्या कहलाता है, आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। ये आभ्यंतर प्रयत्न पांच होते हैं। अगला संख्यात्मक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न पांच होते हैं। पहले हमने कहा प्रयत्न कितने होते हैं, तो मित्रों प्रयत्न दो होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। पुनः आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो मित्रों आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं पांच। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, पांच होते हैं। एक बार पांचों के नाम देख लेते हैं। पहला भेद है स्पष्ट, यानी पहला आभ्यंतर प्रयत्न है स्पष्ट, दूसरा है ईषत स्पष्ट, तीसरा है ईषत विव्रत, चौथा है विव्रत और पांचवा है समृत। हम कह सकते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न के पांच भेद हैं, कौन कौन से हैं, स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, ईषत विव्रत, विव्रत और समृत। मित्रों जरूरी है पांचों के नाम याद रखना, क्योंकि एक प्रश्न ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न का भेद है या नहीं है, निम्न में से कौन सा बाह्य प्रयत्न का भेद है या नहीं है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें पांचों प्रयत्नों के नाम याद हों। तो एक बार इनको ध्यान से देखिए मेरे साथ में कि एक क्रम से लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा स्पष्ट, आपको याद करना है, और अगर आप ध्यान देंगे तो इस जैसा हमने एक वर्ण शब्द पहले भी पढ़ा था जब हम वर्ण के भेद पढ़ रहे थे, तो स्पर्श पढ़ा था, उससे मिलता जुलता है। पहला भेद है स्पष्ट, दूसरे भेद में क्या किया, स्पृष्ट यथावत है और उसके पहले ईषत जोड़ दिया है, और ईषत जोड़ करके भेद का नाम बना ईषत स्पष्ट। यानी आप पहले भेद में स्पष्ट कहें और दूसरे भेद में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए ईषत स्पष्ट, स्पष्ट के पहले एक शब्द और जोड़ेंगे, कौन सा, ईषत। तो दो भेद स्पष्ट हो गए, पहला होगा स्पष्ट और दूसरा होगा ईषत स्पष्ट। तीसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं और तीसरे भेद की तरफ बढ़ते हैं तो अगला भेद है ईषत विव्रत। तीसरा भेद है ईषत विव्रत। यहां ध्यान दीजिए कि ईषत शब्द यथावत है जो दूसरे भेद में जोड़ा है, ईषत शब्द यथावत है और स्पष्ट की जगह एक नया शब्द आ गया है विव्रत। एक कदम आगे बढ़े स्पष्ट, स्पष्ट से एक कदम आगे बढ़े तो ईषत स्पष्ट, और ईषत स्पष्ट से एक कदम आगे बढ़े तो ईषत शब्द यथावत है, स्पष्ट को हटा करके अगला शब्द जोड़ दिया गया है क्या, ईषत विव्रत, तीसरा भेद। और अगले स्तर पर चलते हैं, चौथे भेद के रूप में है विव्रत, अर्थात विव्रत यथावत है और ईषत को हटा दिया गया है। तो आप देखेंगे चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्पष्ट के साथ में ईषत जोड़ा, ईषत स्पष्ट हुआ, पुनः ईषत के साथ में विव्रत जोड़ा, ईषत विव्रत हुआ, अगले वेद में ईषत को हटा दिया तो विव्रत बच गया, और पांचवें वेद के रूप में होता है समृत, पांचवें वेद के रूप में होता है समृत। तो इस प्रकार मित्रों आभ्यंतर प्रयत्न के पांच वेद हुए, कौन कौन से पांच वेद हुए, स्पष्ट, ईषत स्पष्ट,
ईषत विव्रत, विव्रत और समवृत्त। अब ये पांचों क्या हैं? पहले एक बार इनको समझ लेते हैं। महत्वपूर्ण है कि यहां से प्रश्न दो तरीके से होता है। एक तो होता है स्पष्ट या आभ्यंतर प्रयत्न के भेदों से संबंधित कि निम्न में से कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न का भेद है या आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं। और दूसरा प्रश्न होता है वर्ण देकर के, कोई भी वर्ण देकर के आपसे पूछ लिया जाता है कि क वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है। आपको च वर्ण दे दिया, च वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है। ट वर्ण दे दिया, ट वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि पहले हमें पांचों नाम याद हों और उसके बाद में हमें याद रखना है कि स्पष्ट में कौन कौन से वर्ण होंगे, ईषत स्पष्ट में कौन कौन से वर्ण होंगे, ईषत विव्रत में कौन कौन से वर्ण होंगे, विव्रत में कौन से होंगे और समवृत्त में कौन से होंगे। मित्रों इस प्रक्रिया को हम एक टेबल के माध्यम से आगे समझेंगे, लेकिन पहले एक सरल रूप में समझ लेते हैं कि स्पष्ट क्या है। स्पृष्ट, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, आप ध्यान देंगे स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है, स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। क्या मतलब निकला कि जो वर्ण हमने वर्ण भेद में व्यंजन के पहले भेद के रूप में स्पर्श वर्णों में पढ़े थे, स्पर्श वर्ण जिन्हें हमने उदित वर्ण या वर्गीय व्यंजन कहा था और पांच वर्गों में बांटा था, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्पर्श वर्ण हैं, जो स्पर्श वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण ही क्या कहलाएंगे, स्पृष्ट कहलाएंगे, दोनों एक ही है। जो स्पर्श वर्ण हैं वही स्पृष्ट वर्ण हैं। मित्रों ध्यान दें, स्पर्श वर्णों को ही क्या कहेंगे, स्पष्ट। और दूसरा सबसे सरल कि आपको नाम भी एक दूसरे से मिलते हुए हैं, लगभग मिलता हुआ नाम है कि स्पर्श और स्पष्ट। केवल भेद का नाम याद रह जाएगा तो आपको निश्चित रूप से याद रहेगा कि स्पर्श ही स्पष्ट है। तो पहला भेद स्पष्ट क्या होता है, स्पर्श वर्णों का ही स्पष्ट प्रयत्न होता है। दूसरा ईषत स्पष्ट, पढ़ें ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, अर्थात जो व्यंजन हमने अंतस्थ व्यंजन के रूप में पढ़े थे, जो व्यंजन हमने अंतस्थ व्यंजन के रूप में पढ़े थे वो अंतस्थ व्यंजन ही क्या कहलाएंगे, ईषत स्पृष्ट कहलाएंगे। जो व्यंजन हमने अंतस्थ वर्णों के रूप में पढ़े थे वही क्या होंगे, ईषत स्पृष्ट होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अंतस्थ है वही ईषत स्पृष्ट है। जो अंतस्थ है अर्थात जिन वर्णों को हम अंतस्थ वर्णों के नाम से जानते हैं उन्हीं वर्णों को हम किस नाम से जानेंगे, ईषत स्पृष्ट के रूप में जानेंगे। दो भेद स्पष्ट हैं, स्पृष्ट वर्ण यानी स्पर्श वर्ण और ईषत स्पृष्ट वर्ण अर्थात अंतस्थ वर्ण। एक और सरल रूप देखिए कि जब हमने व्यंजन के भेद किए थे उस समय तीन जो भेद थे, स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म, यही तीन भेद किए थे। सबसे पहले हमने किया था मित्रों स्पर्श, उसके बाद में किया था अंतस्थ और तीसरे नंबर पे किया था ऊष्म। तो आप देखें यही क्रम यहां पर है, स्पृष्ट स्पर्श हैं, ईषत स्पृष्ट अंतस्थ हैं। दूसरी क्रम में पहला क्रम स्पर्श का था, पहला क्रम स्पृष्ट का है, दूसरे क्रम पे अंतस्थ थे तो अंतस्थ ईषत स्पृष्ट हैं। अर्थात जिस क्रम में आप इनको, जरूरी है कि आप इसको इसी क्रम में याद करें, इसी क्रम में याद करेंगे तो आपको वर्णों को रटने का अनावश्यक दबाव नहीं झेलना पड़ेगा, आप केवल उस क्रम को फॉलो करते ही अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तीसरे भेद की तरफ चलते हैं, तीसरा भेद है ईषत विव्रत। तीसरा भेद क्या है मित्रों, ईषत विव्रत, और कहा ईषत विव्रतम ऊष्माणाम, ईषत विव्रतम ऊष्माणाम, अर्थात जो व्यंजन हमने ऊष्म व्यंजन के रूप में पढ़े थे
जिन व्यंजन वर्णों को हमने ऊष्म व्यंजन के रूप में पढ़ा था वो ऊष्म व्यंजन ही किस नाम से जाने जाएंगे? ईषत विव्रत आभ्यंतर प्रयत्न के रूप में जाने जाएंगे। आप कह सकते हैं कि जो ईषत विव्रत है वही ऊष्म है, या यूं कहें कि जो ऊष्म वर्ण है वही ईषत विव्रत हैं। तो तीसरा भेद हमने यहां पर देखा मित्रों, ईषत विव्रत, और ईषत विव्रत का मतलब हुआ ऊष्म व्यंजन। ईषत विव्रत का मतलब क्या हुआ? ऊष्म व्यंजन। तो अब आप इसको यहां जोड़ सकते हैं, तो वही क्रम स्पृष्ट स्पर्श के साथ में जोड़ा, ईषत स्पृष्ट अंतस्थ के साथ जोड़ा, और ईषत विव्रत को ऊष्म के साथ जोड़ दिया। तो जिस क्रम में हमने व्यंजन के तीन भेद पढ़े थे उसी क्रम में तीनों, पहले तीनों भेद किसके आ गए? आभ्यंतर प्रयत्न के आ गए। शेष रह गए दो आभ्यंतर प्रयत्न, इनको समझ लेते हैं। उससे पहले एक बार वापस दोहरा रहा हूं, ध्यान दें कि स्पृष्ट अर्थात स्पर्श वर्ण, और स्पर्श वर्ण थे क से लेकर मा तक, इसको एक टेबल के रूप में हम आगे समझेंगे। ईषत स्पृष्ट अर्थात अंतस्थ वर्ण यवरल, और ईषत विव्रत अर्थात ऊष्म वर्ण श स स और ह। इस प्रकार ये तीन प्रयत्न तो हो गए मित्रों व्यंजन से संबंधित। किससे संबंधित हो गए? व्यंजन से संबंधित। अब शेष रह गए दो प्रयत्न, तो इन दो प्रयत्न को भी एक बार देख लेते हैं। अगला प्रयत्न है विव्रत। अगला प्रयत्न कौन सा है? विव्रत। विव्रतम स्वराणाम अर्थात सभी स्वरों का विव्रत प्रयत्न होता है, सभी स्वरों का विव्रत प्रयत्न होता है, या ये कहें कि स्वरों का कौन सा प्रयत्न होता है? विव्रत प्रयत्न होता है। तो पहले तीन जो प्रयत्न थे वो तो हैं व्यंजन से संबंधित, चौथा प्रयत्न है किससे? स्वर से संबंधित। सभी स्वर कैसे होते हैं? सभी स्वर विव्रत होते हैं, आपको याद रखना है सभी स्वर विव्रत होते हैं। और पांचवा प्रयत्न है समवृत्त। पांचवा प्रयत्न कौन सा है? समवृत्त है। समवृत्त अर्थात ह्रस्व अवर्ण से, इसको अगर अलग करोगे तो अलग करने पर ये मित्रों बनता है ह्रस्व प्लस अवर्णस्य, यानी हम कह सकते हैं ह्रस्व अ। ह्रस्व अवर्णस्य का क्या मतलब है? ह्रस्व अ अर्थात ह्रस्व अ का प्रयोग अवस्था में, इस बात को विशेष रूप से नोट कर लेना है कि प्रश्न यही हो कि प्रयोग अवस्था में अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है, तो प्रयोग अवस्था में अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न समवृत्त होता है। जब तक प्रश्न में प्रयोग नहीं हो और स्वर के रूप में पूछा जाए कि स्वरों, अस्वरों में भी होगा अर्थात अ दोनों जगह है, अविव्रत भी है और असमृत है, लेकिन यहां समृत अ के लिए एक कंडीशन लगा दी कि वो केवल प्रयोग अवस्था में, लौकिक प्रयोग की अवस्था में ही समृत होगा, प्रक्रिया अवस्था में अगर पूछा जाएगा तो वो विव्रत ही रहेगा, सामान्य प्रश्न अगर पूछा जाएगा तब भी वो विव्रत ही रहेगा। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अवर्ण का कौन सा निम्न में से आभ्यंतर प्रयत्न है तो वहां दोनों नहीं होंगे, वहां या तो समृद्ध दिया हुआ होगा या विव्रत दिया होगा, और अगर दोनों हैं तो फिर प्रश्न को पुनः पढ़ो, वहां स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि प्रयोग अवस्था में अवर्ण का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है, या फिर प्रक्रिया अवस्था में अवर्ण का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है। तो पुनः ध्यान दें, प्रयोग अवस्था में अवर्ण का समृद्ध अभ्यंतर प्रयत्न होता है, प्रक्रिया अवस्था में अवर्ण का विव्रत यानी जो सभी स्वरों का है वही अभ्यंतर प्रयत्न रहता है। इससे भ्रमित नहीं होना है, पुनः एक टेबल्स के माध्यम से आपको इसको वापस समझाया जाएगा। तो इस प्रकार ये पांच प्रयत्न है मित्रों, आभ्यंतर प्रयत्न, पांच आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट ईषत स्पृष्ट ईषत विव्रत विव्रत और समृत। स्पृष्ट स्पृष्टम स्पर्शाणाम अर्थात स्पर्श वर्णों का ही स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ईषत स्पृष्ट ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम अर्थात अंतस्थ वर्णों का ईषत स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ईषत विव्रत ईषत विव्रतम ऊष्माणाम अर्थात ऊष्म व्यंजनों का ईषत विव्रत प्रयत्न होता है। विव्रत विव्रतम स्वराणाम सभी स्वरों का विव्रत प्रयत्न होता है। और समृत
ह्रस्व अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, अर्थात ह्रस्व अ अकार जिसको हम कह रहे हैं, ह्रस्व अ का प्रयोग अवस्था में समृत प्रयत्न होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को आगे एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। उससे पहले एक विषय को और ध्यान देना है मित्रों कि सिद्धांत कौमुदी में चार आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं। वहां ईषत विव्रत और विव्रत दोनों को मिलाकर के एक किया गया है और ईषत विव्रत को आभ्यंतर प्रयत्न नहीं माना गया है। सिद्धांत कौमुदी में चार ही माने हैं, कौन कौन से? स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, विव्रत और समृत। तो यहां जब ईषत विव्रत को नहीं माना है तो ईषत विव्रत के जो ऊष्म वर्ण हैं उन ऊष्म वर्णों को विव्रत में ही मिला दिया गया है, यानी कि विव्रत में फिर कौन कौन से आ जाते हैं? ऊष्म वर्ण प्लस सभी स्वर। और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ऊष्म वर्णों का और सभी स्वरों का एक ही प्रयत्न हो जाता है, विव्रत। हालांकि ऐसी जटिल अवस्था कभी पैदा नहीं होती कि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए। अब तक जो भी सामान्य प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो पांच को आधार बना करके ही पूछे गए हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं तो वहां भी पांच के अनुसार ही पूछा जाता है। फिर भी कई बार हम पुस्तकों में पढ़ते हैं तो भ्रमित होते हैं कि सब उस पुस्तक में लिखा हुआ है, मैंने कहीं पढ़ा है कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार चार हैं तो एक कहाँ है? तो मित्रों एक कहीं नहीं है। सिद्धांत कौमुदी में ईषत विव्रत जो है इसको नहीं माना है और ईषत विव्रत के अंदर आने वाले ऊष्म वर्णों का भी विव्रत प्रयत्न ही मान लिया गया है, अर्थात स्वरों का और ऊष्म वर्णों का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न माना है। कौन सा? विव्रत। तो स्पष्ट है सामान्यतया आभ्यंतर प्रयत्न पांच हैं और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अगर पूछा जाता है तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार चार हैं, स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, विव्रत और समृत। चलो आगे बढ़ते हैं और इन सभी वर्णों को एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं। पांचों भेद आपके सामने हैं, स्पष्ट, ईषत विव्रत, विव्रत और समृत। स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, ईषत विव्रत, विव्रत और समृत। ध्यान दें मित्रों, पांचों भेद में कौन कौन से वर्ण होंगे ये हमें समझना है, क्योंकि प्रश्न यहां से आने की सर्वाधिक संभावना रहती है। जब सबसे सरल प्रश्न पूछना होता है तो पूछा जाता है प्रयत्न के कितने भेद हैं? दो, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। फिर आगे बढ़ता है, संख्यात्मक प्रश्न पूछना होता है तो पूछा जाता है कि आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं? तो सामान्यतया पांच। अगर प्रश्न ही स्पेसिफाई कर दिया जाता है, प्रश्न में ही दिया गया है कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने प्रयत्न हैं, तो फिर चार होंगे। हालांकि ऐसी जटिल अवस्था पैदा नहीं होती है और कम से कम आप जो रीड देने जा रहे हो उसके लिए आपका जो स्तर है वो इतना गहराई भरा नहीं है। आपको यहां संस्कृत विषय के रूप में नहीं है, भाषा सेकंड के रूप में पढ़ाया जा रहा है, तो आप निश्चिंत रहें कि सामान्य सतही ज्ञान आपका गलत नहीं होना चाहिए। बात करते हैं स्पष्ट में कौन कौन से वर्ण होंगे। तो हमने कहा था मित्रों, जब स्पष्ट की परिभाषा देखी थी कि स्पष्टम स्पर्शानाम, हमने क्या कहा था? स्पष्टम स्पष्टम स्पर्शानाम, स्पष्टम स्पर्शानाम, अर्थात जो स्पर्श व्यंजन है उनका आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो कौन सा होता है? स्पष्ट होता है। और अंतस्थ व्यंजन कौन से थे या स्पर्श व्यंजन कौन से थे? तो स्पर्श व्यंजन को हमने पांच वर्गों में बांटा था। कवर्ग, कवर्ग से तात्पर्य था क, ख, ग, घ और ङ। चवर्ग, चवर्ग से तात्पर्य है च, छ, ज, झ और ञ। टवर्ग, टवर्ग से तात्पर्य मित्रों ट, ठ, ड, ढ और ण। तवर्ग, तवर्ग से तात्पर्य है मित्रों त, थ, द, ध और न। और अंतिम पवर्ग, पवर्ग से तात्पर्य है मित्रों प, फ, ब, भ और म।
इस तरीके से जो ये 25 स्पर्श वर्ण थे, ये 25 स्पर्श वर्ण ही क्या कहलाएंगे, स्पृष्ट। यानी इन 25 स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा, इन 25 स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा मित्रों स्पृष्ट। 25 स्पर्श वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा, स्पष्ट होगा। क से लेकर म तक सभी स्पर्श व्यंजन, और हम बार बार इस चीज को पढ़ चुके हैं कि स्पर्श यानी क से लेकर म तक के पांचों वर्गों में बटे हुए जो वर्गीय व्यंजन है वो स्पर्श कहलाते हैं, और स्पर्श वर्णों का ही अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा, स्पष्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, ईषत स्पष्ट, ईषत स्पष्ट। ईषत स्पृष्ट से तात्पर्य है मित्रों, हमने परिभाषा में पढ़ा था ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम। तो जो अंतस्थ व्यंजन है, और अंतस्थ व्यंजन कौन से थे, य व र ल, ये जो चार अंतस्थ व्यंजन हैं, इन चारों अंतस्थ व्यंजन का आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषत स्पृष्ट। कौन सा होता है, ईषत स्पृष्ट। आगे बढ़ते हैं, ईषत विव्रत, ईषत विव्रत की परिभाषा में हमने पढ़ा था ईषत विव्रतम ऊष्माणाम, अर्थात जो ऊष्म व्यंजन है, और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से थे, श श स और ह, ये जो चार ऊष्म व्यंजन है, इन चारों ऊष्म व्यंजन का आभ्यंतर प्रयत्न होगा ईषत विव्रत। इन चारों व्यंजन का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होगा, ईषत विव्रत। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है ये तीनों, तो यहां ध्यान दें कि व्यंजन से संबंधित कितने आभ्यंतर प्रयत्न हो गए, तीन। व्यंजन से संबंधित कितने आभ्यंतर प्रयत्न हो गए, तीन, क्योंकि स्पृष्ट में भी व्यंजन है, ईषत स्पृष्ट में भी व्यंजन है, और ईषत विव्रत में भी व्यंजन है, और जो व्यंजन के तीन भेद थे स्पर्श अंतस्थ और उष्म, वो तीनों इनमें समाहित हो जाते हैं। अब जो शेष रह गए वो स्वरों से संबंधित हैं, तो अगला आभ्यंतर प्रयत्न है मित्रों विव्रत, और विव्रत आभ्यंतर प्रयत्न का मतलब है सभी स्वर, जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा था विव्रतम स्वराणाम, अर्थात सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है। कोई भी स्वर, अ है, आ, ई, ए, ओ, औ, री, कोई भी स्वर हो, सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है, विव्रत होता है। सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है, विव्रत होता है। अंतिम प्रयत्न के रूप में आपके पास में है संवृत, तो ध्यान दें मित्रों संवृत जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसमें केवल और केवल एक वर्ण रहेगा, ह्रस्व अ। संवृत प्रयत्न में कौन सा वर्ण रहेगा, ह्रस्व अ, वो भी प्रयोग अवस्था में, अर्थात प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया हुआ होगा कि प्रयोग अवस्था में अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है, तो प्रयोग अवस्था में अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न होता है संवृत। प्रयोग अवस्था में अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न होता है संवृत। तो इस प्रकार पांचों प्रयत्न आपने देखे, स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, ईषत विव्रत, विव्रत और संवृत। तो यहां विशेष रूप से ध्यान देने वाली जो चीज है वो ये है कि जो स्पृष्ट हैं वो स्पर्शों के हैं, ईषत स्पृष्ट अंतस्थों का है, ईषत विव्रत ऊष्म वर्णों का है, विव्रत सभी स्वरों का है। तो मित्रों व्यंजन से संबंधित तीन आभ्यंतर प्रयत्न हैं, पहली चीज। प्रश्न अलग है, व्यंजन से संबंधित कितने आभ्यंतर प्रयत्न हुए, तीन। पुनः ध्यान दें कि प्रत्येक व्यंजन का, प्रत्येक व्यंजन का एक आभ्यंतर प्रयत्न होगा, तीनों में अलग अलग है, कोई भी वर्ण जो है वो दोबारा नहीं आया हुआ है। तो ध्यान दें अगर प्रश्न इसी तरीके से हो कि प्रत्येक व्यंजन के कितने आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, तो प्रत्येक व्यंजन का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होगा, या तो वो स्पष्ट होगा या ईषत स्पृष्ट होगा या फिर ईषत विव्रत होगा। प्रत्येक व्यंजन का एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, और प्रत्येक स्वर का भी
एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता है, प्रत्येक व्यंजन का एक और प्रत्येक स्वर का एक होता है। एक अवर्ण ऐसा है जिसका एक समृत आभ्यंतर प्रयत्न भी है। प्रत्येक व्यंजन का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न है, कौन सा? विव्रत। स्वरों के तीन है लेकिन उस व्यंजन के तीन आभ्यंतर प्रयत्न पर तीनों व्यंजनों में आभ्यंतर प्रयत्नों में कोई भी व्यंजन रिपीट नहीं होता है। तो प्रत्येक व्यंजन का एक आभ्यंतर प्रयत्न होगा, प्रत्येक स्वर का भी एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होगा। विशेष अवस्था बताई हुई है, प्रयोग अवस्था, जिसमें अ का एक और आभ्यंतर प्रयत्न होगा जो होगा समृत। तो ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि आभ्यंतर प्रयत्नों में व्यंजनों का एक और स्वरों का भी एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता है। इससे संबंधित जो कुछ हमने सीखा उसको एक बार वापस दोहरा लेते हैं मित्रों, कि अ जो है वो लौकिक प्रयोग अवस्था में समृत होता है तथा व्याकरण की प्रक्रिया अवस्था में विव्रत होता है। यह मैंने आपको बार बार दोहराया है कि अप्रयोग अवस्था में समृत रहेगा और प्रक्रिया अवस्था में विव्रत रहेगा। ठीक उसी प्रकार दीर्घ आ आदि अन्य सभी स्वर, यानी प्रयोग अवस्था में अ को छोड़ दें तो शेष सभी जो स्वर हैं आ ई ऊ री ए ओ आई आदि जो भी सभी स्वर हैं उन सभी स्वर जो हैं वो विव्रत ही माने जाते हैं, यानी स्वरों का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न है विव्रत। सिद्धांत कौमुदी में ऊष्मवर्णों तथा स्वरों का एक ही प्रयत्न मानते हुए, कौन सा प्रयत्न? विव्रत मानते हुए चार आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं। आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है कि सिद्धांत कौमुदी में ईषत विव्रत को आभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं माना गया है और ईषत विव्रत के जो ऊष्मवर्ण हैं उन ऊष्म वर्णों को स्वरों के साथ जोड़ते हुए ही स्वर और ऊष्म वर्णों का एक ही प्रयत्न माना गया है विव्रत। और इस प्रकार सिद्धांत कौमुदी में चार प्रयत्न माने गए हैं, कौन कौन से? स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, विव्रत और समृत। सिद्धांत कौमुदी में ईषत विव्रत को आभ्यंतर प्रयत्न नहीं माना गया है या स्पष्ट किया जा चुका है। तो आभ्यंतर प्रयत्न से संबंधित जितने भी अधिकतम प्रश्न हो सकते हैं उन सभी के जवाब, उन सभी के समाधान आपके सामने हैं। पुनः संक्षिप्त में देख लीजिए, जो सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, सबसे पहले पूछा जाता है आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। सबसे पहले जो सरल प्रश्न बनता है कि प्रयत्न कितने होते हैं, तो प्रयत्न दो हैं, आभ्यंतर और बाह्य। पुनः होता है आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं, तो आभ्यंतर प्रयत्न पांच हैं और पांचों के नाम है स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, ईषत विव्रत, विव्रत और समृत। और पुनः इसके बाद जो प्रश्न पूछे जाते हैं आभ्यंतर प्रयत्न से संबंधित, तो वो मित्रों वर्णों को लेकर के पूछे जाते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया ड वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है, व वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है, ई का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है। तो जब हमने पांचों वेदों में आने वाले वर्णों को अलग अलग सीख लिया है तो हम निश्चित रूप से इस बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि किस वर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अब मित्रों आगे बढ़ते हुए इसी प्रयत्न प्रकरण में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की, क्योंकि हमने प्रयत्न के दो वेद किए थे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो इसको आगे बढ़ाते हुए मित्रों अब बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न से तात्पर्य है वर्ण की उत्पत्ति के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, यानी वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व किया जाने वाला तो आभ्यंतर प्रयत्न हुआ और वर्ण की उत्पत्ति के बाद किया जाने वाला जो आंतरिक प्रयास है वो कहलाता है बाह्य प्रयत्न। वर्ण की उत्पत्ति के बाद किया जाने वाला जो आंतरिक प्रयास है वो कहलाता है बाह्य प्रयत्न। और मित्रों संख्यात्मक प्रश्न का जवाब देते हुए ध्यान रखें कि बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, अर्थात बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। भिन्नता ध्यान रखें, आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा अर्थात बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। कौन कौन से 11 हैं एक बार समझ लेते हैं। अघोष, घोष, विवार, संवार, श्वास, नाद, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 भेद हैं किसके? बाह्य प्रयत्न के।
मित्रों यहां ध्यान ये देना है कि ये 11 नाम आपको याद होने चाहिए, और याद होने के साथ साथ अगर आपने इनको एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए याद किया तो ये सहज और सरल तरीके से याद हो जाएंगे। जैसे अघोष के साथ घोष जुड़ा हुआ आता है, अर्थात जब वर्ण विभाजन होता है तो वहां वर्ण विभाजन में जो वर्ण अघोष होते हैं उनके अलावा जो शेष रह गए वो घोष हो जाते हैं, इसका मतलब इन दोनों में विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार विवार के साथ संवार जुड़ा हुआ आता है, कुछ वर्ण विवार हो जाते हैं और जो शेष रह जाते हैं वो संवार हो जाते हैं। और इसी प्रकार श्वास के साथ में नाद जुड़ा हुआ आता है, श्वास के साथ में नाद जुड़ा हुआ आता है। तो मित्रों अघोष और घोष एक जोड़ा बन जाता है, विवार संवार का एक जोड़ा बन जाता है, श्वास और नाद का एक जोड़ा बन जाता है। इसी प्रकार अल्प प्राण और महाप्राण का भी एक ही जोड़ा बनता है, यानी कुछ वर्ण अल्प प्राण रह जाते हैं और जो शेष रह जाते हैं वो महाप्राण। तो अगर हम इनको एक दूसरे के साथ जोड़कर याद करेंगे नामों को, तो पहली बात तो इनके उच्चारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अघोष घोष, विवार संवार, श्वास नाद, अल्पप्राण महाप्राण। तो एक तो इनके उच्चारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इन नामों को याद करने में सहजता होगी, और अंत में रह गए तीनों उदात्त अनुदात्त और स्वरित, तो इन तीनों का एक साथ प्रयोग होता है। आगे पढ़ेंगे कौन से होते हैं, तो बाकी वर्ण प्रकरण में हमने उदात्त अनुदात्त और स्वरित को काफी अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है, लेकिन पुनः आज फिर से इसको दोहराएंगे। तो इस प्रकार मित्रों बाह्य प्रयत्नों की संख्या होती है कितनी, 11, अघोष घोष विवार संवार श्वास नाद अल्पप्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त और स्वरित। एक बार ये क्या क्या है इन्हें समझ लेते हैं। घोष, घोष का तात्पर्य होता है वर्ण के उच्चारण के समय गूंज उठना। वैसे भी घोष शब्द का मतलब क्या होता है, घोष का मतलब होता है आवाज, गूंजना, घोषणा, यानी जब वर्ण के उच्चारण करते समय गूंज निकले। अघोष इसके विपरीत हो जाएगा, अर्थात जब वर्ण के उच्चारण के समय गूंज नहीं उठे तो वो स्थिति क्या कहलाती है, अघोष कहलाती है। विवार, विवार का मतलब होता है वर्ण के उच्चारण के समय मुख का खुलना, विवार यानी वर्ण के उच्चारण के समय मुख का खुलना क्या है, विवार है। तो संवार इसके विपरीत हो जाएगा, संवार का मतलब हुआ वर्ण उच्चारण के समय मुख का न खुलना, वर्ण के उच्चारण के समय मुख का न खुलना क्या कहलाता है, संवार कहलाता है। श्वास, वर्ण उच्चारण के समय श्वास चलना क्या है, श्वास कहलाता है। नाद, नाद से तात्पर्य, नाद शब्द भी क्या है, घोष, गंभीर गर्जना के लिए आता है, नाद यानी गर्जना। तो जब वर्ण के उच्चारण के समय गंभीर ध्वनि निकलती है वो क्या कहलाता है, नाद कहलाता है। जब वर्ण के उच्चारण के समय गंभीर ध्वनि निकलती है तो वो नाद कहलाता है। अल्प प्राण, अल्प यानी थोड़ा, अल्प शब्द का मतलब क्या हुआ, कम या थोड़ा। तो वर्ण उच्चार के समय जब प्राण वायु या श्वास वायु जो मुख से निकलती है, जो प्राण वायु निकलती है उसका जब अल्प उपयोग होता है यानी कम प्राण वायु का उपयोग होता है वो स्थिति क्या कहलाती है, अल्प प्राण कहलाती है। और इसके ठीक विपरीत वर्ण उच्चारण के समय जब प्राण वायु का अधिक उपयोग होता है तो वो स्थिति कहलाती है मित्रों महाप्राण। उदात्त अनुदात्त स्वरित के बारे में हम वर्ण प्रकरण में विस्तार से पढ़ चुके हैं इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आप वर्ण प्रकरण का वीडियो जब देखेंगे तो वहां उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। और बाकी जो रह गए थे 8, उन सब के बारे में आपके सामने स्पष्ट है। घोष यानी उच्चारण के समय गूंज उठना, अघोष अर्थात उच्चारण के समय गूंज नहीं उठना, विवार अर्थात उच्चारण के समय मुख का खुलना, और संवार अर्थात उच्चारण के समय मुख का नहीं खुलना, श्वास अर्थात उच्चारण के समय श्वास चलना, नाद अर्थात उच्चारण के समय गंभीर ध्वनि निकलना, अल्प प्राण अर्थात उच्चारण के समय प्राण वायु का कम निकलना और कम उपयोग होना, और महाप्राण अर्थात वर्ण के उच्चारण के समय प्राण वायु का अधिक उपयोग होना। तो इस प्रकार ये इन सब के बारे में जानकारी कि क्या घोष है, क्या अघोष है, क्या अल्प प्राण है और क्या महाप्राण है। अब इनको एक टेबल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर जो प्रश्न होगा, पहला प्रश्न तो यही होगा कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं
और बाह्य प्रयत्नों के नाम पर आधारित हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा बाह्य प्रयत्न का भेद है या कौन सा बाह्य प्रयत्न का भेद नहीं है। तो आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के भेदों को मिलाकर के ऐसा कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और अगला प्रश्न होता है वर्ण से संबंधित, किससे संबंधित, वर्ण। जिस प्रकार अल्प प्राण में आपसे को बताया गया कि पूछा जा सकता है क वर्ण का कौन सा अल्प आभ्यंतर प्रयत्न होता है, और आभ्यंतर प्रयत्न के समय आपको बताया गया कि किसी भी वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न का नाम पूछा जा सकता है, च वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है, ट वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है, उसी प्रकार से बाह्य प्रयत्न में भी इसी ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वर्ण देकर के। तो उसके लिए आवश्यकता होती है कि हम उन वर्णों को याद करें कि कौन से प्रयत्न में कौन से वर्ण का उच्चारण होता है। तो समझ लेते हैं मित्रों, सबसे पहले सरल तरीका जो माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है, अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद हैं तो आपको एक एक वर्ण को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल उन सूत्रों में जो प्रत्याहार बनाना आपने सीखा था, उस प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया मात्र से ही आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न के जो भेद हैं उनको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो मित्रों, इन सबके बारे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाह्य प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्णों को हम किस बाह्य प्रयत्न में रखेंगे। घरो विवारह श्वास घोषाश्च, सूत्र को पढ़ें, घरो विवारह श्वास घोषाश्च, अर्थात घर प्रत्याहार। ध्यान दें मित्रों, कौन सा प्रत्याहार दिया हुआ है, घर प्रत्याहार। घर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण विवार होते हैं, श्वास होते हैं और घोष होते हैं, अघोष होते हैं। घर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अघोष, विवार और श्वास होते हैं। पुनः ध्यान दें, कौन सा प्रत्याहार, खर। अब आप केवल खर प्रत्याहार याद कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो खरो विवार श्वासा घोषाश्च, खर प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण अघोष, विवार और श्वास होते हैं। इसी प्रकार हसह संवार नादह घोषाश्च, अर्थात हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, कौन से प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण घोष होते हैं, संवार होते हैं और नाद होते हैं। दो प्रत्याहारों से आपके संपूर्ण वर्ण याद हो जाएंगे अगर आप माहेश्वर सूत्रों को याद कर चुके हैं तो। कौन कौन सा, खर। खर प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण अघोष होंगे, विवार होंगे और श्वास होंगे। यहां एक चीज और स्पष्ट हो जाती है कि जो वर्ण अघोष हैं वही विवार हैं और वही श्वास हैं, जो अघोष हैं वही विवार हैं और वही श्वास हैं। इसी प्रकार हस प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण क्या होंगे, हस प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण घोष होंगे, संवार होंगे और नाद होंगे। तो यहां भी स्पष्ट है कि जो वर्ण घोष हैं वही संवार हैं और वही नाद हैं, जो घोष हैं वही संवार हैं और वही नाद हैं। तो इस प्रकार मित्रों, केवल दो प्रत्याहारों से भी आप याद कर सकते हैं इन वर्णों का विभाजन। फिर भी प्रत्येक वर्ण का विभाजन हम एक टेबल के रूप में आगे देखेंगे कि कौन से वर्णों को कहां विभाजित किया गया है। तो टेबल आपके सामने बोर्ड पर है और ध्यान दें मित्रों, एक एक वर्ण पर हमने अघोष, विवार और श्वास तीनों को एक जगह लिखा है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, अर्थात खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अघोष, विवार और श्वास होंगे। तो अर्थात जो अघोष होंगे वही विवार और श्वास भी होंगे। इसी प्रकार हमने घोष, संवार और नाद को भी एक जगह रखा है, जो वर्ण घोष होंगे वही संवार भी होंगे और वही नाद भी होंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था हस संवारा नादा घोषाश्च। तो यहां ध्यान रखना है दो में विभाजित किया है। और इस विभाजन को समझते हुए देखें तो पहले बात कर लेते हैं अघोष, विवार और श्वास की। अघोष, विवार और श्वास में कौन कौन से वर्ण होंगे, क ख, अर्थात हम कह सकते हैं
पांचों वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण, पांचों वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा? अघोष होगा, विवार होगा और श्वास होगा। तो हमने कहा था कि कुछ वर्ण अघोष हो जाएंगे, जो रह गए वो घोष हो जाएंगे। तो अब आप देखिए कि पहले दूसरे तो अघोष, विवार और श्वास हो गए, तो अब यहां कौन से रह गए? तीसरे, चौथे और पांचवे। तो तीसरे, चौथे और पांचवे क्या हो जाएंगे? घोष, संवार और नाद। तो अगर हम केवल इनको याद कर लेते हैं, केवल अघोष को याद कर लेते हैं और यह ध्यान रहता है कि जो अघोष है वही विवार है और वही श्वास है, तो हमें ये अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि इनके अलावा जो शेष रह जाएंगे वो घोष, संवार और नाद होंगे। तो मित्रों पांच जो वर्ग थे, उन पांचों वर्गों में से हमने विभाजित किया कि पहले और दूसरे पांचों वर्गों के अघोष होंगे, विवार होंगे और श्वास होंगे, और जो रह गए तीसरे, चौथे, पांचवे वो घोष, संवार और नाद होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विसर्ग, विसर्ग भी क्या होगा? अघोष, विवार और श्वास होगा। तीनों श यानी श, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, तीनों श भी क्या होंगे? अघोष, विवार और श्वास होंगे। जिह्वा मूलीय, आप सरल तरीके से जिह्वा मूलीय और उपदमानीय भी क्या होंगे? अघोष, विवार और श्वास होंगे। और पहले दूसरे यमवर्ण भी क्या होंगे? अघोष, विवार और श्वास होंगे। इधर देख लेते हैं, तो तीसरे, चौथे, पांचवे की चर्चा हम कर चुके हैं। इन वर्णों के अलावा जो शेष रह गए वो घोष, संवार, नाद होंगे। तो यहां विसर्ग आ गया, अनुस्वार रह गया, तो अनुस्वार आपका क्या होगा? घोष, संवार और नाद होगा। य, व, र, ल, ह यानी अंतस्थ वर्ण भी क्या होंगे? घोष, संवार और नाद होंगे। ह उष्म वर्णों में से, उष्म वर्णों में से तीन स यहां आ गए, तो जो शेष रह गया वो ह है। ह कैसा होगा? घोष, संवार और नाद होगा। और इसके अलावा रह गए तीसरा और चौथा यम वर्ण, तो तीसरे, चौथे यम वर्ण भी क्या होंगे? घोष, संवार और नाद होंगे। तो पुनः सरल शब्दों में दोहरा रहा हूं, वर्गों के पहले दूसरे वर्ण अघोष, विवार, श्वास होंगे। विसर्ग तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से, जिह्वा मूलीय, उपदमानीय और पहला दूसरा यमवर्ण अघोष, विवार और श्वास होंगे। और इनसे जो शेष रह जाते हैं वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ह, अनुस्वार और तीसरे, चौथे यमवर्ण, घोष, संवार और नाद होंगे। मित्रों जब ये चीजें याद हो जाती हैं तो बड़ी सरल लगती हैं, जब तक याद नहीं होता तब तक समस्या यही रहती है कि देखने में तो आ रहे लेकिन याद कैसे करूंगा। तो मित्रों अगले दो मिनट आप पूरा फोकस वीडियो पे करिए, ध्यान से देखिए, मैं एक सहज और सरल तरीका आपको बता रहा हूं जिससे आप इनके नाम भी याद कर पाओगे और इनके वर्णों को भी याद कर पाओगे। ध्यान दें मित्रों, अघोष, अघोष का अ ले लेते हैं, वी विवार का वी ले लेते हैं और तीसरा शब्द श्वास, तीनों को मिला देते हैं तो हमारे पास एक शब्द बन जाता है अविश्वास। यानी तीन नाम एक साथ आ गए, अघोष, विवार और श्वास, किस में? अविश्वास में। तो इसी प्रकार यहां भी हम ले लेते हैं, घोष का घो ले लेते हैं, संवार का स ले लेते हैं और नाद का ना ले लेते हैं, तो बन जाता है घोषणा। जैसा कि मैं कह चुका हूं केवल इसको याद करने मात्र से वो अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि जो शेष रह गए वो वहां है, तो ध्यान आप किस पे दें? इस पे दें। अब बात करते हैं अ, अ को आप जोड़िए आगे वाले दोनों, अ आरंभिक वर्ण होता है और आ को किसके साथ जोड़ लीजिए? अवर्ण को, आगे वाले दोनों यानी वर्ग जो होते हैं उन वर्गों में, पांचों वर्गों में पांच वर्ण होते हैं, तो पांचों वर्गों के जो पांच वर्ण हैं उनमें आगे वाले जो दो हैं वो क्या हैं? वो अविश्वास में होंगे, अर्थात अघोष, विवार और श्वास होंगे। तो अ मतलब आगे वाले दोनों वर्ण, पांचों वर्गों के आगे वाले दोनों वर्ण। अगला अक्षर है वी, वी यानी विसर्ग, वी मतलब विसर्ग, अर्थात वी इधर विवार के लिए है और यहां विसर्ग के लिए है। और आगे है मित्रों श्वास, श्वास में आप देखिए तालव्य से और
दंत्य से आए हुए हैं। तो तीसरा जो स है उसको भी यही मान करके चलेंगे तो तीनों स हमारे जो हैं तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, तीनों स भी किसका हिस्सा होंगे? अविश्वास अर्थात अघोष, विवार और श्वास का हिस्सा होंगे। तो आप समझ सकते हैं अ मतलब आगे वाले दोनों। एक बार पुनः समझा देता हूं, इन तीनों को मिलाकर के हमने क्या बनाया मित्रों? अविश्वास बनाया, अ मतलब अघोष, वी मतलब विवार और श्वास। तो अ का मतलब निकला आगे वाले दोनों वर्ण, प्रत्येक वर्ग के आगे वाले पहले दूसरे, आगे वाले यानी पहले दूसरे वर्ण। वी का मतलब निकला मित्रों विसर्ग, और श्वास में तीनों स। स्पष्ट हुआ? अब बात करते हैं जिह्वा मूल्य। तो मित्रों जब जिह्वा मूल्य हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि क और ख से पहले आने वाला अर्ध विसर्ग जिह्वा मूल्य होता है। तो अब आप देखिए कि जब क ख यहां आ रहे हैं तो क ख के साथ आने वाला अर्ध विसर्ग अर्थात जिह्वा मूल्य भी कहां होगा? जहां क ख है वहां जिह्वा मूल्य भी होगा। अर्थात जिह्वा मूल्य को बड़े सरल तरीके से जोड़ सकते हैं क ख के साथ में, कि जिह्वा मूल्य क ख के साथ पहले आने वाला अर्ध विसर्ग होता है तो जिह्वा मूल्य भी अघोष, विवार और श्वास ही होगा। इसी तरीके से उपद मानिए, तो उपद मानिए के बारे में हमने पढ़ा था प और फ के पहले आने वाला अर्ध विसर्ग। तो मित्रों प और फ भी अघोष, विवार, श्वास में आ रहे हैं तो उनके साथ आने वाला अर्ध विसर्ग भी कहां होगा? अघोष, विवार और श्वास में होगा। आगे रह गए, ये स्पष्ट हो गए। अब बचे पहला और दूसरा यमवर्ण, क्योंकि यमवर्ण हमने बताए थे चार, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो मित्रों जब पहले दूसरे वर्ण यहां हैं तो पहले दूसरे यमवर्ण भी इसी का हिस्सा होंगे। इस तरीके से आप इनको जोड़ लेंगे तो बड़े आराम से याद हो जाएंगे। तो अब जो शेष रह गए वो इनसे शेष हैं, पहले दूसरे यहां आ गए तो तीसरे चौथे पांचवें यहां आ गए। यहां उष्म वर्णों में से तीनों स आए हैं तो जो शेष बचा हो वो घोष, संवार और नाद में चला जाएगा। इसके अलावा यहां पर विसर्ग आया, अनुस्वार किसके स्थान पर होता है? अनुस्वार जब संधि प्रकरण पढ़ेंगे हम तो हम पढ़ेंगे अनुस्वार तो पांचवें के स्थान पर होता है, मन को अनुस्वार होगा तो अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका से होता है। पंचम वर्णों का उच्चारण भी किससे होता है? नासिका से होता है। तो जहां पंचम वर्ण है वहीं अनुस्वार है, तो अनुस्वार भी कैसा होगा? घोष, संवार और नाद होगा। और अंत में बचे तीसरे और चौथे यमवर्ण। तो मित्रों जब तीसरे चौथे सभी वर्ण यही हैं यानी घोष, संवार और नाद में हैं तो तीसरे चौथे यमवर्ण भी घोष, संवार और नाद में ही होंगे। तो अब आप एक एक वर्ण को नहीं रटें, वीडियो को दो से तीन बार देखेंगे और खासकर ये जो पिछले दो मिनट में आपको समझाया गया है, दो तीन मिनट में जो संक्षिप्त तरीका आपको बताया गया है, शॉर्ट ट्रिक बताई गई है कि अघोष, विवार, श्वास को अविश्वास के साथ जोड़ते हुए आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो अ से आगे वाले दोनों वर्ण हो जाएंगे, वी से विसर्ग हो जाएगा और श्वास से तीनों स हो जाएंगे, और बाकी जो तीन रह गए वो पहले दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप केवल नाम याद नहीं कर पाएंगे, नाम के साथ साथ में उनके वर्ण भी आराम से याद कर सकते हैं। तो ये हुए मित्रों आपके छह बाह्य प्रयत्न, अघोष, घोष, विवार, संवार, श्वास और नाद। अब शेष रह गए उनकी चर्चा कर लेते हैं। शेष में आगे बढ़ते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। तो वर्णानाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राण, यानी कि वर्ग के जो वर्ण होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और इसके साथ साथ में यण, यण से मतलब था य, व, र और ल, जिन्हें हम अंतस्थ भी कह रहे हैं, ये सभी वर्ण कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवे, एक, तीन, पांच, और यण अर्थात अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। वर्णानाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राण, अर्थात वर्ग के पहले, तीसरे और पंचम वर्ण तथा यण वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। और उसी प्रकार जो शेष रह गए द्वितीय चतुर्थ षलश्च महाप्राण, अर्थात वर्ग के दूसरा, चौथा वर्ण और शल, शल का मतलब क्या था मित्रों? शलह ऊष्माण, अर्थात जो ऊष्म वर्ण है श, स, स और ह, ये सभी क्या कहलाते हैं? महाप्राण
कहलाते हैं। और अंतिम तीन बाह्य प्रयत्न बच गए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो आप कह सकते हैं सभी स्वर अर्थात सभी स्वर उदात्त होते हैं, सभी स्वर अनुदात्त होते हैं और सभी स्वर स्वरित होते हैं। तो आप चाहें तो एक सूत्र मात्र से इसको याद कर सकते हैं कि वर्णानाम द्वितीय चतुर्थ षलश्च महाप्राण, वर्णानाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्पप्राण। और अगर आप चाहें कि मुझे एक एक वर्ण के साथ में याद करना है तो मित्रों आइए इसको एक टेबल के साथ में समझ लेते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो मित्रों अल्पप्राण हमने कहा था, अल्पप्राण का मतलब है पहला, तीसरा, पांचवां वर्ण। तो ये देखिए पांचों वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण, क, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न और प, ब, म, पांचों वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण। और इसके साथ में हमने कहा था यण अर्थात य, व, र, ल, ये सभी वर्ण क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। और दूसरी तरफ महाप्राण के लिए कहा था वर्ग के दूसरे और चौथे। तो मित्रों यहां देखिए दूसरे और चौथे वर्ण ख, ग, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ, म नहीं है मित्रों ये भ है, भ, ये सभी वर्ण कौन से हो गए, महाप्राण। और इसके साथ हमने कहा था क्या, शल, शल अर्थात ऊष्म वर्ण, ये क्या हो गए, महाप्राण। आप चाहें तो एक तरीका और अपना सकते हैं, एक वर्ण को इधर अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण यानी पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा पुनः अल्पप्राण, इस तरीके से भी गिन सकते हैं। और अंत में याद रहे कि अंतस्थ अल्पप्राण होते हैं और ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। तो ये हुए मित्रों अल्पप्राण और महाप्राण और उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्वरों के तीन बाह्य प्रयत्न, अब तक जितने भी बाह्य प्रयत्न आपने पढ़े वो व्यंजन के थे, तो स्वरों के तीन बाह्य प्रयत्न हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो यानी सभी स्वर उदात्त होते हैं, सभी स्वर अनुदात्त होते हैं और सभी स्वर स्वरित भी होते हैं। हमने स्वर के जब विभाजन किए थे तो एक टेबल बना करके जब समझा था कि ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और अनुनासिक और अननुनासिक, जो 18 और 12 भेद हमने पढ़े थे उन्हीं से स्पष्ट है, वहां भी पढ़ चुके हैं कि सभी स्वर उदात्त होते हैं, सभी स्वर अनुदात्त होते हैं और सभी स्वर स्वरित होते हैं। तो मित्रों ये था आपका बाह्य प्रयत्न से संबंधित प्रकरण, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकरण से जुड़े हुए अंत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पूछे जा सकते हैं, हालांकि जो आपने सीखा है ये उसी पर आधारित है, अन्य इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए भ्रमित ना होनो, घबराएं नहीं कि अब अलग से क्या याद करना है, कुछ याद नहीं करना है। आप पढ़ें प्रत्येक स्वर का एक आभ्यंतर प्रयत्न व तीन बाह्य प्रयत्न होते हैं। प्रत्येक स्वर का एक आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा था, विव्रत था, और तीन बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो प्रत्येक स्वर के कुल मिलाकर चार प्रयत्न होते हैं, ध्यान है प्रश्न पर, प्रत्येक स्वर का एक आभ्यंतर प्रयत्न होगा और तीन बाह्य प्रयत्न होंगे, कुल प्रयत्नों की संख्या होगी चार, कुल प्रयत्न आभ्यंतर और बाह्य दोनों मिलाकर के स्वर के कितने होंगे, चार होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक व्यंजन का एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, प्रत्येक व्यंजन जब हम पढ़ रहे थे आभ्यंतर प्रयत्न तो पढ़ा था, प्रत्येक व्यंजन का एक आभ्यंतर प्रयत्न होगा, या तो वो स्पष्ट होगा या ईषत स्पष्ट होगा या ईषत विव्रत होगा। तो प्रत्येक व्यंजन का एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है और प्रत्येक व्यंजन के चार बाह्य प्रयत्न होते हैं, प्रत्येक व्यंजन के चार बाह्य प्रयत्न होंगे। चार बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होंगे, एक तो अघोष, विवार और श्वास जो हमने बांटे थे इनमें से होगा, और इसके अलावा अल्पप्राण या महाप्राण। तो ये चार हो गए एक तरफ। तो आप यहां देखें कि प्रत्येक व्यंजन के चार बाह्य प्रयत्न होंगे, या तो वो अघोष होगा यानी अघोष, विवार और श्वास होगा,
तो यहां जाएगा, या फिर घोष संवार और नाद होगा तो उन तीन में चला जाएगा। तो तीन तो वो हो गए, पुनः ध्यान दें, या तो वो अघोष विवार और श्वास होगा, या फिर क्या होगा घोष संवार और नाद, तो तीन इनमें से होंगे। और इसके अलावा व्यंजन के जो बाह्य प्रयत्न थे वो थे अल्प प्राण और महाप्राण, तो या तो अल्प प्राण होगा या फिर महाप्राण। तो इस प्रकार तीन इनमें अघोष विवार श्वास घोष संवार नाद में से और एक अल्प प्राण और महाप्राण में से, तो चार बाह्य प्रयत्न होते हैं। प्रत्येक व्यंजन के चार बाह्य प्रयत्न, एक आभ्यंतर प्रयत्न सहित कुल कितने प्रयत्न होते हैं, पांच प्रयत्न होते हैं। प्रत्येक व्यंजन के कुल कितने प्रयत्न होते हैं, पांच प्रयत्न होते हैं। तो ये तो ऐसे प्रश्न, हालांकि रटने की आवश्यकता नहीं है, जब आप प्रकरण को समझ चुके हैं तो आप जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको आधार बना करके ऐसे प्रश्नों के स्वतः उत्तर भी दे सकते हैं। फिर भी आपकी सरलता के लिए विषय को दे दिया गया है। प्रत्येक स्वर के एक आभ्यंतर और तीन बाह्य प्रयत्न होंगे, प्रत्येक व्यंजन के एक आभ्यंतर और चार बाह्य प्रयत्न होंगे, यानी कुल पांच होंगे। प्रत्येक वर्ण चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, उसका एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, स्वर का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होगा और व्यंजन का भी एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होगा, जिसके बारे में हमने आभ्यंतर प्रयत्न में बहुत अच्छे से चर्चा कर ली थी। और स्वरों से संबंधित तीन बाह्य प्रयत्न है, स्वरों से संबंधित कितने बाह्य प्रयत्न है, तीन, कौन कौन से, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, तीन बाह्य प्रयत्न है। व्यंजन से संबंधित जो बाह्य प्रयत्न है वो है आठ, कुल 11 बाह्य प्रयत्न थे, तो व्यंजन से संबंधित आठ है और स्वरों से संबंधित तीन है। स्वरों से संबंधित उदात्त अनुदात्त और स्वरित, और व्यंजन से संबंधित है मित्रों अघोष घोष विवार संवार श्वास नाद अल्प प्राण और महाप्राण। तो इस प्रकार मित्रों ये प्रयत्न प्रकरण आपने सीखा पढ़ा और समझा। धैर्य पूर्वक जब आप इस वीडियो को देखेंगे समझेंगे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रयत्न प्रकरण आपकी पकड़ में होगा, और जब प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा तो आपका उसका सटीक और सही उत्तर बड़े ही सरल तरीके से दे पाएंगे। तो मित्रों पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अव्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और अगली क्लास में आपसे पुनः एक नए प्रकरण के साथ में मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।